हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन की। बुध अब 10 मई से मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे। ये मंगल की राशि है और मंगल और बुध की जो स्थिति है वो शत्रुता की स्थिति मानी जाती है। शत्रु हैं ये आपस में, और आपकी राशि जो है आपकी लग्न है मेष राशि, तो इसके हिसाब से देखा जाए कि बुध बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों के अधिपति बनते हैं आपके जीवन में, जो कि आपके लिए अकारक ग्रह कहलाते हैं। फिर भी ये ऐसे स्थितियों के अधिपति हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजों के अधिपति हैं जिसलिए आपके जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व। बुध आपके जीवन में आपके साहस के अधिपति हैं। आप कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन में हैं, या रोग ऋण शत्रु इन सब के अधिपति बनते हैं बुध। और बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव हरेक व्यक्ति, एक बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं। बुध बैंकिंग सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु का भी महत्व होता है, परंतु बुध का भी बहुत महत्व होता है। बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस हो, विद्यार्थी हो, टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, व्यापारी हो, शेयर मार्केट हो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां जहां पर बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो यही बुध अब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, तो क्या रिजल्ट देंगे, क्या सावधानी रखनी है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि बुध यहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर बात क्या है कि ये शत्रु है मंगल के, जो कि आपके लग्न से आपके राशि से हैं, और आपके जो भाव हैं उनके अधिपति तृतीय और सप्तम के अधिपति बनेंगे, जिसकी वजह से बुध का यहां पर आना लाभ बहुत ज्यादा नहीं, नुकसान ज्यादा है, परंतु कुछ लाभ भी है। आइए समझते हैं। बुध आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां पर आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, आप कोई ऐसे काम कर रहे थे जहां पर आप बार बार प्रयास कर रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं जो आपके कंपटीटर हो या आपके ऐसे लोग हों जो बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हों परंतु अंदर से शत्रुता निभाते हैं, मतलब कहते हैं ना मीठी छुरी, वो वाली स्थिति। तो जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुप्त रूप से आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी योजनाओं को अब विफल करेंगे, क्योंकि और भी ग्रह स्थितियां हैं अपने दर्शकों। और ये जो बुध का परिवर्तन है ये 10 मई से लेके 31 मई, ये जो 21 दिन का कहा जाए कि समय है, 21 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कहने के लिए तो छोटा समय है, परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। आपके जीवन में आप देखेंगे कि आप अपने कंपटीशन के जो भी क्षेत्र हैं, आपके कंपटीशन जहां भी आपका है, वहां पर आपके जो कंपटीटर हैं स्वतः ही अब एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसकी वजह से उनकी जो बुद्धि है, आपके प्रति जो शत्रुता का भाव है, वो छोड़ के और आपका सहयोग करेंगे। आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है, और इसके अलावा आपके जो निर्णय हैं उनमें भी बदलाव आएंगे। परंतु हमेशा इस बात को समझने की जरूरत होती है कि जब कोई भी ग्रह किसी भी राशि में परिवर्तन करता है तो ये लाभ तो दे ही रहा है, परंतु कुछ सावधानियां हैं, उन्हें समझिए। सावधानियों में देखा जाए तो सबसे जरूरी है कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि मंगल की राशि में आए हैं। आपकी बुद्धि तो तीव्र हो जाएगी, परंतु कई बार
हम जब बुद्धि हमारी तीव्र होती है, कई बार निर्णय लेते हैं और एक दो बार आपका निर्णय सही हुआ तो हम यह सोचने लगते हैं कि हमने अब जो निर्णय लेना है वो सब ठीक ही होंगे। इसलिए कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं इन 21 दिनों के बीच में तो आपको बहुत सोच समझ के लेना होगा, खासकर जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, कोई काम है वो आज नहीं कल हो जाएगा, वो चलेगा, परंतु जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। आप स्टूडेंट हैं या आप व्यापारी हैं या जॉब करते हैं तो आपको अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, यानी कि दिनचर्या जो है उसे ठीक कर लीजिए, समय से सोइए, समय से उठिए, एक जो शेड्यूल है उसको 100% फॉलो करिए, क्योंकि इस समय कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप शेड्यूल को यदि फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये दिन निकल जाएंगे और पता चलेगा कुछ हाथ लगा नहीं है। इसलिए अपने शेड्यूल को बनाइए और उसे फॉलो करिए। किसी से बात भी आप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, कैसे भी स्थिति हो, चाहे सामने वाला दो शब्द कह भी दिया, ठीक है आपने सुन लिया और बात के लिए, जब समय हमारा भी आएगा तब हम देखेंगे। और साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हर दिन योग प्राणायाम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पैसे का देन लेन करने से बचना हो। तो ये कुछ सावधानियां थी, लाभ कुछ ही है, ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं बुध। तो बुध के जो कुछ चमत्कार हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं, वो 100% कैसे मिल सकते हैं ये आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। अपनी कुंडली में बुध की स्थिति को जरूर चेक करिए और साथ में दशाओं को भी चेक करिए। तो यदि बुध आपकी कुंडली में सपोर्ट आप कर रहा है तो फिर ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपको लाभ दे सकते हैं। हम आराधना की बात करें तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान जी की आराधना से आपके जीवन में बुध राशि परिवर्तन के जो परिणाम है वो अनुकूल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सबसे महत्वपूर्ण हनुमान जी के दर्शन करिए और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। ये उपाय करिए जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।